जी हाँ, आज है साल 2015 के पहले माह की पहली तारीख, न्यू ईयर स्पेशल, एसएमएस के बहाने वीबीएस की तरह। अरे ओ मैडम जी, दरवाजा बंद कर लो, मैं जा रही हूँ। और हाँ, छोटे वाले कमरे का दरवाजा जरा ठीक करवा लो, अकेली रहती हो, किसी दिन अंदर ही फंस जाओगी। अरे करवा लूंगी करवा लूंगी, जा रही है तू? अरे चाय पीती जा, बहुत ठंड हो रही है। स्पेशल अदरक इलायची वाली बना रही हूँ, आती है क्या? आजा आजा। तो फिर क्या सोचा तूने? कानूनन तो तू अब अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। मैडम जी, आप कानून को जानती हैं, मेरे बाप को नहीं, वो मेरी बोटी बोटी काट डालेगा। आहा, वैसे भी तू कौन सा भी जिंदा है। मेरी एक बात याद रख ले, जिंदगी में कुछ ना कुछ एडवेंचर होना चाहिए, तभी जीने का असली मजा है, वरना जीते तो सब है, समझ रही है ना? मैं तो कहती हूँ एक बार फिर से सोच ले। क्या हुआ मैडम जी? ये महक भी कितनी अजीब चीज है, बरसों के फासले कैसे पल में तय कर देती है। मुझे अच्छी तरह याद है, बहुत साल पुरानी बात है, 6th में था मेरा छोटू, बहुत तेज बुखार था मुझे, स्कूल से घर आया और उसने देखा कि मुझे बुखार है, झटपट बैग फेंका उसने और मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लिया। बहुत अच्छी चाय बनाई थी उसने, और जैसे ही चाय पीने के लिए मैंने कप की तरफ हाथ बढ़ाया, उसने बस झट से मुझे रोक दिया, बोला 1 minute टी टेस्ट। जितनी मोटी पड़े मलाई, उतने प्यार से है चाय बनाई, उठा ले पी ले। पता नहीं कहां से सीख कर आया था वो ये, लेकिन सच में चाय एकदम जादुई थी, उसको पीते ही मेरा बुखार झट से गायब हो गया था। लो, कमरे की लाइट फिर खुली छोड़ गई, सुधरेगी नहीं लड़की है। कैसी लापरवाह लड़की है, सामान यहां वहां जैसा भी पड़ा है सब छोड़ के चली जाती है। अरे ये, ओ टेडी शर्मा जी, आप यहाँ चुपे बैठे? ओले ओले ओले, मिला बच्चा। पता है मेरा छोटू कैसे तेरे बिना रोते रोते अमेरिका गया था, हाँ, और आप यहाँ चुपके बैठे हैं। ओले ओले ओले, बात करेगा उससे? ऑफलाइन, अब क्या? यस, वेरी स्मार्ट, कॉल करते हैं अपने छोटू जी को। हेलो गोलू, गोलू हाँ बेटा, हाँ फटाफट 2 मिनट के लिए ऑनलाइन आ जा। हाँ अरे पता, अपना छोटू के टेडी शर्मा जी मिल गए, स्टोर रूम में थे, बक्से के पीछे छुपे हुए। हाँ फटाफट गोलू को ऑनलाइन। अरे मम्मी, आप कभी भी फोन लगा देती हो ना, दिन देखा रात देखा मिला दिया बस फोन, यही काम है क्या आपके पास? अरे छोटू के पास खिलौने भरे पड़े हैं, महंगे से महंगा खिलौना है उसके पास, नहीं चाहिए आपके वो सारे खिलौने, और आपकी तरह रिटायर्ड लाइफ नहीं है मेरी।
वाला। कहाँ है? यहाँ मैडम, छोटा आदमी छोटी जगह बैठा, का बताए। ओहो, रामूरत नहीं आया? वो बीमार है, कह रहा है मैडम को दूध दे आओ। हम सोचे हम दूध दे आए। मैडम ऐसे 10 साल से लाइन में है, कोनो हमने दूध को उंगली तक नहीं उठाई से आज तक, कसम से। दीदी हो या देवर, दूध एकदम पेवर। पतीला ले आओ मैडम। अभी लाती हूँ। अरे दूध वाला कहाँ चला गया? जल्दी इसको निपटा। कौन है? कौन है ये? पता नहीं। निपटा जल्दी। कौन है? न्यूज़पेपर वाला। न्यूज़पेपर? हाँ भैया। जी मैडम, बिल। बिल भैया कल ले लेना। अरे मैडम इतनी ठंडी में कौन रोज होगा। कितने पैसे हुए? 200। 200 रुपए? शांति चुपचाप बता दे सारा माल कहाँ छुपा रखा है। ये घंटियां भी ना मेरी जान लेके छोड़ेंगी। सुबह से चालू हो जाती हैं, टुन टुन टुन। ओफो, अब कितनी बार खोल बंद करेगा? शॉल से ढक दे मेरे हाथ। और ये पतीला हटा देना यहाँ से। बाकी मैं मैनेज कर लूंगी। बैठ जा। कौन है? धोबी। कौन है? धोबी। मेरा नया नौकर है टिल्लू राव। गिन तो ले कपड़े टिल्लू, गिन ले कपड़े। आठ हैं। नंदा 80 रुपए। 80 रुपए में टिल्लू पैसे दे दे इसको। 80 रुपए। पैसे भी दे? जी दे दे। 100 है। 20 रुपए इधर ले लीजिएगा। लिख ले लिख ले, हिसाब में लिख ले। चल चल चल, तू चल तेरे हिसाब में खत्म। टिल्लू नाम नहीं है मेरा, और मैं तुम्हारा नौकर भी नहीं हूं, समझी? अब बता बुढ़िया, सारा माल कहाँ छुपा के रखा है? बता। छोड़ मुझको। बता। अबे घर है कि घंटा घर है? टिल्लू गैस ले ले उससे, अंदर किचन में रखा जाके। अच्छा वापस आना, खाली सिलेंडर लेते आना। खाली भी लेता हूँ। वापस नहीं करेगा इसको खाली सिलेंडर? हाँ तरू बता। पैसा दे। टिल्लू पैसे दे इसको। मैं दूँ? साढ़े चार। पकड़ ये, पकड़।
ये पकड़, ये पकड़, रुक, ये ले, अब चल। जल्दी जा। अरे यार, ये हो क्या रहा है यार? मैं यहाँ चोरी करने आया हूँ कि तेरा बिल भरने आया हूँ? सुबह से साला गधे की तरह काम करा रखा, कपड़े उठाओ, सिलेंडर उठाओ, साला पैसा पूरा खाली हो गया। अरे तो किसने कहा था कि पहली तारीख को चोरी करने निकलो, हैं? और वो भी सुबह सुबह के टाइम? चोरी रात के अंधेरे में होती है कि सुबह होती है? तेरा तो बेसिक प्लान ही गलत है, टिल्लू राम। बहुत हो गया तेरा नाटक बुढ़िया, अब बता, बता दे वरना पूरा पूरा अंदर हलक के अंदर डाल दूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा तुझे, समझे? बता बता ससुरी, पैसा किधर रखा है? मेरी इधर वाली पॉकेट में चाबी रखी, निकाल ले, निकाल चाबी। अब समझा। बस वो सामने दरवाजा है ना, उधर से सीधे चला जा, आगे छोटा कमरा है, बड़ी चाबी से कमरे का दरवाजा खुलेगा, और उसके बाद अंदर हरे रंग की लोहे की अलमारी रखी है, सब कुछ उसी में है, ले ले जाके। निकालता हूँ इसकी पुलिस के लिए एक मिनट में। ए बुढ़िया, जिसने सारी जिंदगी औरों को बांधा तू आज उसे ही बांधने चला था? माफ कर दिया ना, माफ कर दिया, अब मैं जाऊंगा। जा, चल, अब बांध मुझको। बांधो। कह रही हूँ ना बांध, अबे बांध। चाबी तेरे पास है ना? हाँ, बस इत्मीनान से जो निकालना निकाल लेना। अच्छा। और निकाल के फूट लेना बिल्कुल। अच्छा। हाँ, जा। जा। जा ना। अरे जा रहा हूँ। अब की ऐसा बांधा है कि सात जन्म तक नहीं छुड़ा पाएगी ये बुढ़िया। और सुन, अंदर से छोटे वाले कमरे का दरवाजा खराब है, खुला छोड़ देना, बंद मत करना। अरे तो भैया, दरवाजा खोलो। मैडम, दरवाजा बंद हो गया। सत्यानाश हो तेरा। मैडम, तो मैं दे रहा है, बचा लो। अरे मैं बंधी हुई हूँ, कैसे बचा लूं? रुक, कुछ करती हूँ, सोचने तो दे। क्या बता दिया? चुप कर, सोचने दे। बजरंग बली, आज बजरंग बली ही तेरी नैया पार करेंगे। जिंदगी में कुछ एडवेंचर तभी जीने का असली मजा है, वरना जीते तो सब है। DIG लक्ष्मी शर्मा, आज दिखा दे अपना कमाल।
चाबी। अच्छा मैडम चलते हैं। बुढ़िया ने फंसाने का पूरा प्लान बना रखा है। उठिए मैडम जी, मैडम जी ये आपकी दवाई खत्म हो गई थी, मैं नई दवाई लेके आया हूँ, खाइए। मैडम उठिए, ये लीजिए, ये दवाई लीजिए। मैडम जी अब ठीक है ना आप? हाँ। ओ पुलिस नहीं आई? पुलिस? हाँ मैडम जी, ये देखिए ये फोन आया था इंस्पेक्टर अक्षय का। अक्षय तो मुझे फोन करता रहता है हालचाल जानने के लिए, कोई पुलिस पुलिस नहीं आने वाली। हाँ अच्छा, तुझको पता था कि यहाँ पुलिस आ सकती है, फिर भी तू वापस आया मेरे लिए दवाई लेकर। क्या करें, नेचर ही ऐसा है कुछ। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अभी पिछले ही हफ्ते मैं एक घर में चोरी करने के लिए घुसा था, वहां पर भी एक बुढ़िया थी। मैं अपने काम में बिजी था, मैं चोरी करने में बिजी था, तब मैंने देखा वो बुढ़िया मुझे देख के घबरा गई, डर के गिर पड़ी, फर्श में पूरा खून लथपथ लथपथ। मैं डर गया, मैं डर के वहां से भागा, लेकिन मैंने सोचा उस बुढ़िया को कुछ हो ना जाए, तो मैंने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस हमेशा की तरह लेट आई और अगले ही दिन अखबारों में छप गया कि एक दूध वाले ने बुढ़िया को जान से मार दिया। बजरंग बली की कसम मैंने उसे नहीं मारा था, लेकिन बुढ़िया तो मरी मेरे कारण थी। बस यही बात मेरे को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, और शायद इसीलिए मैं वापस आ गया। परेशान मत हो, अगर तुमने कुछ किया नहीं है तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, और मैं तुम्हारी मदद करूंगी ना। छोड़िए, लगता है अभी आपको कुछ खास चीज की जरूरत है, तबीयत आपकी ठीक नहीं लग रही है। मैं कुछ लेके आता हूँ, अकेले कम से कम इतना तो कर ही दूँ।
एक मिनट एक मिनट, जितनी मोटी होती है मलाई उतनी सॉलिड होती है चाय। एक मिनट रुकिए, पहले मेरे चाय का ही बिजनेस था। आप पीजिए। देखना तो किचन में गैस ठीक से बंद है। मैडम जी असल तो सब सही है, मैंने गैस भी चेक कर ली। चलिए चाय पी लिया। लेकिन मैडम एक बात समझ में नहीं आई, आप तो मुझे आराम से पकड़वा सकती थी लेकिन खुद आपने अपने आप को बनवा लिया। तू तो ये चोरी का धंधा छोड़ ही दे, ये तेरे बस की बात नहीं है। बल्कि तू मुझसे ये पूछ कि ये जानते हुए कि तू चोर है, मैंने तुझे अंदर क्यों आने दिया? आप जानती थी कि मैं चोर? जिंदगी में कुछ एडवेंचर हो तभी तो जीने का असली मजा है, वरना जीते तो सभी है। पहली बात, मेरे घर कोई दूध वाला नहीं आता है, मैं पैकेट का दूध लेती हूँ। मैंने एक छोटा सा झूठ बोलकर तेरा झूठ पकड़ लिया। रामूरत नहीं आया? वो बीमार है, कह रहा मैडम को दूध दे आओ, हम सोचे हम दूध दे आए। फिर तो पक्का हो गया कि तू जरूर कुछ गड़बड़ करने आया है। फिर मैंने भी सोचा कि लाओ देखते हैं कि मुझ में भी अब वो पुलिसिया दम बाकी है कि नहीं। मान गए मैडम, काफी दम है, मेरा तो दम ही निकाल दिया। मुझ बेचारी बुढ़िया को एक गार्ड की जरूरत है, गार्ड की नौकरी करेगा? आजकल तो वैसे भी जमाना बड़ा खराब है, चोर भी दूध वाले बनकर लूटने लगे आजकल लोगों को। तनखा तो ठीक मिलेगी ना? चाय पिलानी पड़ेगी, ये समझ लो। हाँ वो तो पिला देंगे, बस तनखा हमारा चाय थे। तनखा की फिक्र मत कर।